अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो इस खेल की सबसे बड़ी संस्था ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से तो जरूर वाकिफ होंगे, जो क्रिकेट से जुड़ी खबरें देते देते खुद ही ट्रोल हो गई। और ये तो आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आपकी एक गलती आपको ट्रोलर्स का शिकार बना देती है, और आज ICC के साथ भी वही हुआ। दरअसल भारत में रेप के दोषी आसाराम की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। आजीवन उम्र कैद की सजा पाए आसाराम से जुड़ी वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे थे। इन्हीं में से एक ट्विटर यूजर प्रतीक सिन्हा ने PM मोदी और आसाराम से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया, जिसे ICC ने भी रिट्वीट कर दिया और कैप्शन दे दिया नारायण नारायण। ICC के इस ट्वीट पर धड़ाधड़ रिएक्शन आने लगे, जिसके बाद ICC ने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक ट्विटर यूजर्स ICC के ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले चुके थे और जमकर शेयर किया। हालांकि इस पूरी घटना पर खुद ICC ने माफी मांग ली है और लिखा, ICC के अकाउंट पर इस तरह के नॉन क्रिकेटिंग ट्वीट के आने से हम बहुत निराश हैं। इस मामले में हम माफी चाहते हैं, ये बहुत कम समय के लिए था, इसके लिए हम जांच करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। आपको बता दें, ICC क्रिकेट से जुड़े फोटो और वीडियो ही शेयर करता है, लेकिन अचानक इस तरह के ट्वीट आने पर ट्विटर पर ICC के फॉलोअर्स भी चौंक गए थे।